हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप आईफोन से अपने कॉन्टेक्ट्स को जीमेल में बैकअप कैसे करेंगे और उसको फिर कहीं भी यूज, जैसे कि एंड्रॉइड वगैरह में यूज कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मेरे लिस्ट में, मेरे कॉन्टेक्ट्स में कितने नंबर सेव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 342 नंबर सेव हैं, 342 कॉन्टेक्ट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट है। तो इन सबको आप एक साथ बैकअप कर सकते हो या फिर कुछ चुनिंदा कॉन्टेक्ट्स को भी आप बैकअप कर सकते हो। तो बैकअप करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद जो उसकी मदद से हम लोग बैकअप करने वाले हैं अपने कॉन्टेक्ट्स का। वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर खोल लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। सबसे पहले सर्च में चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉन्टेक्ट्स बैकअप, ठीक है? इतना सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो देखिए कॉन्टेक्ट बैकअप प्लस ट्रांसफर, ये इसका नाम है इस ऐप का। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है 11 MB का। बस सिंपली इसको ओपन कर लेना है और जैसे आप ओपन करोगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको बैकअप कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट बैकअप और यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल कॉन्टेक्ट्स एंड सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट्स। आप कुछ चुनिंदा कॉन्टेक्ट्स को बैकअप कर सकते हो या फिर सबको भी कर सकते हो। तो हम लोग 5 को करेंगे बस दिखाने के लिए आपको, जस्ट फॉर वीडियो। सेलेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कॉन्टेक्ट करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, ओके कर दीजिए। और हम लोग यहाँ पर सारे भी कर सकते हैं, इसलिए सारे सेलेक्ट करके आप सारे बैकअप कर सकते हो या फिर मर्जी से अपनी 5-6 जितने आप जितने आपको मर्जी उतने कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली 5 को कर लेता हूँ ओनली और देखिए मेरे 5 सेलेक्ट कर लिए स्टार्टिंग के और डन करता हूँ। जैसे डन करूंगा ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा और इसको काट देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओपन बैकअप इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हम लोगों को इसको सेव करना है पहले कहीं ना कहीं, ठीक है? तो करेंगे हम लोग सेव टू फाइल्स, यहाँ पर सेव टू फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपको इसको सेव कहाँ करना है, आप अपने आईफोन में भी कर सकते हो, देखिए ऑन माय आईफोन, या फिर आप आई क्लाउड ड्राइव में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग अपने आईफोन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ऑन माय आईफोन एंड सेव, तो सेव हो गया, सेव पे क्लिक कर दिया, सिंपल हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने जाएंगे फाइल्स में, ये मैंने फाइल्स खोल लिया और आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑन माय आईफोन, हमने आईफोन में सेव किए थे। तो ऑन माय आईफोन पे क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला, देखिए हमारा 5 कॉन्टेक्ट इसके अंदर जो बैकअप यहां पर क्रिएट हो चुका है और इस तरह से ही दिखने वाला है 4177। आप नाम भी चेंज कर सकते हो, वो मर्जी है। ये तो हमारे आईफोन में सेव हो गया, हम इसको जीमेल में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए आपको सफारी खोल लेना है अपने आईफोन का और सफारी खोलने पर यहां पर आपको सर्च करना है सबसे नीचे contacts.google.com और इस तरह सर्च करने के बाद यहां पर जो है हमारा contact.google.com खुल जाएगा, मतलब हमारी जीमेल खुल जाएगी, हमारा कॉन्टेक्ट खुल जाएगा जीमेल के अंदर। अब सिंपली आपको क्लिक करना है इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, अगर ये नहीं खुलता है तो आप अपने पहले जीमेल को लॉगिन कर लेना तो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना सेलेक्ट फाइल और ये जो फाइल थी हमारी कहाँ गई, ये वाली 41774E0, ये वाली, ये हमारे 5 कॉन्टेक्ट की है, ये वाली मेरी पुरानी वाली है तो मैं इसको नहीं करूंगा। ये वाली हमने अभी क्रिएट की थी, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इम्पोर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा इम्पोर्टिंग 41774E0, ये 5 कॉन्टेक्ट आपके सामने बैकअप होकर हमारे जीमेल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी जीमेल में अपने कॉन्टेक्ट्स को जो है सेव कर सकते हो और उसके बाद इस जीमेल के द्वारा आप कहीं पर भी अपने एंड्रॉइड में या फिर अपने लैपटॉप में इस जीमेल को एक्सेस करने के बाद अपने उन कॉन्टेक्ट्स को दूसरे डिवाइस में भी यूज कर सकते हो।